जी महीना अपने घर ही गई होगी, मैं जाके अभी लेके आता हूँ। हाँ बेटा तू जा और बहू को साथ लेके ही आइए। अगर दहलीज पार की तो मेरा मरा मुंह देखेगा। बेबे क्यों कर रहे हो आप ये सब? और किस बात का बदला ले रहे हो? मैंने ऐसी औलाद तो नहीं जनी थी जो किसी लड़की की मर्जी के बगैर उसे शादी करके उसे घर ले आए, वजह चाहे जो भी हो। देख सही कह रहे हो बेबे आप, आपने ऐसी औलाद नहीं जनी है, पर आपने ना ऐसी औलाद भी नहीं जनी है जो अपनी आंखों के सामने किसी मासूम लड़की की जिंदगी खराब होती देखता रहे, चाहे वजह कोई भी हो। मैं भाई को बचाने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हूं, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो। पर आप मानो या ना मानो, पर अब माही इस घर की बहू है। आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। और मेरी मां ने ना ऐसी औलाद भी नहीं जनी है जो अपनी जिम्मेदारी निभाने से पीछे हट जाए। आपकी परवरिश की इज्जत रखनी है बेबे, तो मुझे अपनी कसम से मुक्त कर दो प्लीज। मैं कसम खाती हूँ मम्मी, अगर इस घर के अंदर आने के लिए मुझे आपकी चिता से उखर आना होगा तो मैं इस घर को कभी मुड़के नहीं देखूंगी। अगर मेरे परिवार की हिफाजत इसी में है कि मैं इस घर से दूर रहूं, तो मैं इस घर को कभी मुड़के नहीं देखूंगी। मम्मी जी माही ने तो अब आपकी बात मान ली है, आप तो खड़े हो जाओ, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। पापा आकाश, शालू जी,
मम्मी, बस एक आखिरी गिफ्ट दे दो। मैं अपनी माँ का हंसता हुआ चेहरा देख के जाना चाहती हूँ। फिर चाहे दूर भी चली गई ना, तो ये तसल्ली रहेगी कि आप खुश हो। अगर आप ऐसे नाराज रहे ना, तो मुझे बस आपका ये नाराजगी वाला चेहरा याद आता रहेगा। मम्मी, मुझे पता है आपको ना मेरा चेहरा देख के भी बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन सिर्फ छोटा सा गिफ्ट, चाहे झूठा दे दो, झूठी स्माइल कर दो मम्मी, लेकिन आपको जब भी याद करूंगी ना, वो हंसता हुआ चेहरा याद करूंगी। ये रोते हुए मम्मी ने याद करने मुझे। अब तो मैं जा रही हूं ना, यही सोच के मुस्कुरा दो मम्मी, प्लीज। इतने बड़े तोहफे के लिए एक छोटी सी कीमत दे दो, प्लीज। कहते थे ना मम्मी, जब लड़कियां ससुराल जाती हैं तो अपनी बरकत पीछे छोड़ के जाती हैं। ना तो मैं ये शादी मानती हूं।
वारी तेरी किस्मत माही, ना चाहते हुए भी विदाई करवा ही ली तूने। जोगी को तो तूने अपनी कसम दे के रोक लिया, अब मैं जाऊंगी और अपनी बहू ने अपने साथ लेके आऊंगी, फिर देखती हूँ तू क्या करेगी। जाना तो जाओ बीजी, पर एक बात सोच लो, अगर उस बहू से रिश्ता बनाना है तो इस बहू से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। अगर वो इस घर में आई तो मैं चली जाऊंगी। अभी जी हमारा रिश्ता भले ही सास बहू का हो पर किसी माँ बेटी के रिश्ते से कम नहीं है। लेकिन अगर आपने उस लड़की को इस घर की बहू बनाने की कोशिश भी की ना तो माँ बेटी तो बहुत दूर है, ये सास बहू का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। और अगर कोई भी उसके पीछे गया ना तो मेरे पीछे मत आना। जब आप खुद वापस आ गई तो फिर क्या करेगी? बोले क्या कह रहे हो बीजी? वो खुद वापस नहीं आने वाली, वो आना ही होता तो जाती क्यों? बेबे बेबे मैं हाथ जोड़ता हूं आपने अपनी कसम वापस ले लो, अपनी कसम वापस ले लो वरना उस बेचारी ने ना। कहीं भी चली जाऊंगी लेकिन आपके घर नहीं आऊंगी। तू इतनी कठोर होगी है के रूपा, एक बच्ची दरवाजे पे आवेगी और तू उसने अंदर नहीं आने देगी, ऐसे भेज देगी उसको बाहर। बीजी मेरे घर पे दरवाजे पे कुछ जानवर भी आए ना उसे भी वापस नहीं भेजती मैं, ये तो फिर भी माँ ही है। वो अपनी मर्जी से आएगी तो कुछ नहीं कहूंगी मैं। बेबे वो खुद वापस नहीं आएगी। आवे की जुगी, वो वापस जरूर आएगी, जितना प्यार सच्चा है तो वो आएगी। और जितना जो कुछ भी करा है वो साफ नियत से करा है तो वह जरूर आवेगी। जब माता रानी ने तुम दोनों की एक जिंदड़ी बनाई है तो वह जरूर आवेगी। याद रखी मेरी बात ने, बात जरूर आवेगी। आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मम्मी। अब 1 किलो घी डाला जाए इस बुझती आग में। मम्मी जी ये सब करने की जरूरत नहीं थी। वैसे ये आप कह रहे हो पप्पू जी? नहीं, इन सब का तो मेरे को मालूम है कि ये मेरा साथ छोड़ सकते हैं। मेरे को लग रहा था कम से कम आप तो मेरे साथ दोगे, ऐसे हालात में मेरे साथ खड़े रहोगे, पर आप। मम्मी जी हमेशा मैंने आपका ही साथ दिया है। पर क्या पप्पू, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन जो बर्ताव आपने माही के साथ किया है ना वो ठीक नहीं है जी। आप एक बात सोचो, आप अगर माही सच्ची निकली तो, अगर जोगी ने सही में जबरदस्ती से शादी की है तो। अगर ये बात सच्ची निकली तो हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। राक्षसों के घर भेज दिया अपनी बेटी। ये जानने के बाद क्या आप अपने आप को जिंदगी भर माफ कर पाओगे? तो बस फिर अब एक ही रास्ता बचा है सच जानने का, दूध का दूध और पानी का पानी करने का। Yeah, baby,
गलती की है मैंने? क्यों हर बार ये समाज मुझे गलत ठहरा देता है? किस बात की सजा दे रही है? आज मेरा परिवार मुझसे नफरत करते हैं, मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। मैं तो अपने परिवार का भला चाहती थी, किस बात की परीक्षा ले रही है तू मुझसे? सब कुछ छीन गया मुझसे, मेरा दोस्त, मेरा घर, मेरे परिवार, मेरा काम, मेरी इज्जत, सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। क्यों माँ, क्यों? किस बात की श्रद्धा रखूं मैं? किस बात के लिए पूजा करूं मैं? किस लिए मैं तेरे आगे विश्वास का दिया जलाऊं जब सारा विश्वास टूट चुका है? बोल माँ, तुझे आज जवाब देना होगा। क्यों सजा दे रही है तू मुझे इतनी? मैं तो सिर्फ अपने परिवार के लिए अच्छा चाहती थी, तूने मुझे हमेशा टुटकारा। माँ आज तुझे जवाब देना होगा, वरना आज के बाद मैं तेरी चौखट पे कभी कदम नहीं रखूंगी।